Hello all of you guys, welcome to my YouTube channel Study Material A to Z. Airforce Group C 2021 जो अभ्यर्थी लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे जाएगा, एडमिट कार्ड कहाँ पे, कब, कैसे, सब कुछ जो कि आपके सवाल हैं, और यही सवाल जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपके फॉर्म जो डालने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म डाला नहीं है या फिर आपने भरा नहीं है तो आप दोस्तों भर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो रोजगार जो वाला समाचार पत्र है उसमें भी अपडेट आ चुका है। और मैंने आपको कल टेलीग्राम पे जो कि उसका अपडेट कर दिया था, तो जो भी कैंडिडेट उसे देखना चाहे तो आप टेलीग्राम से देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। और आपका मैं भी वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाऊँगा जब एग्ज़ाम सेंटर की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पेज नंबर 25 है शायद, जो कि उसके अंदर ये न्यूज़ आ चुकी है कि एयरफोर्स जो ग्रुप सी है और उसके अंदर आपका स्पष्ट मेंशन किया गया, हिंदी के अंदर सब कुछ जो कि मेंशन किया गया आपको, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो स्टूडेंट हिंदी का इंतज़ार करते हैं तो उनका हिंदी के अंदर एकदम नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपको दिखाने में भी वाला हूँ। तो गाइज उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और भाई वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा जो कि यहाँ पे रिसर्च के बाद आपके पास वीडियो आती है, तो आप थोड़ा सा मेहनत जो आप भी कर लीजिए, क्योंकि आपको तो वीडियो शेयर ही तो करना होता है हमें दोस्तों। आपके जो जितना प्यार अच्छा मिलेगा, और दोस्तों मैं हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई भी करता हूँ यार, कि आपके जो अगर आपका प्यार बहुत अच्छा रहेगा यार दोस्तों, आपका प्यार बना रहेगा तो मैं आपको रिप्लाई करने भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई करता हूँ व्हाट्सएप के अंदर। तो यहाँ पे आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अब जो दोस्तों आपके शेयर नहीं कर रहे हो आप, स्पष्ट बात यही है। तो गाइज हम बात करते हैं, चलिए ये तो खैर छोड़िए, आप यहाँ पे आप थोड़ा सा मंथन कर लीजिए क्योंकि शेयर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे पता ही होगा आजकल यार। चलो मैं थोड़ा सा एक एम रख देता हूँ, एम आज का है दोस्तों आप 50 लाइक इस वीडियो पे करना है आपको, और 500 व्यूज का ये छोटा सा एक एम है, आप मुझे पूरा करके दिखाइए। तो दोस्तों आपको रिप्लाई मैं सब कुछ पहले आपके जो भी डाउट होते हैं वो मैं व्हाट्सएप पर ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपको वीडियो तो मैं कॉमन जो चीज़ें होती है उस पर ही देता हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर भी चलो मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि आपके हर तरह के डाउट आएंगे लेकिन जो महत्वपूर्ण डाउट है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपका डाउट है दोस्तों एडमिट कार्ड को लेकर और एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए भाई, ये जो कि आपका एक जो रोजगार समाचार पत्र है उसके अंदर ये न्यूज़ यहाँ पर आती है कि जितने भी आपकी भर्तियाँ होती हैं, ये पेज नंबर आपका, सॉरी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ यार, मैंने देखा भी था जल्दी से, चलो 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 यहाँ 25 25, अरे आ जा, चौबीस आ गया। हाँ ये देखिए भाई, ये देखिए दोस्तों आपका जो कि हिंदी में सब कुछ मेंशन किया गया है, और यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए एज के रिगार्डिंग भी, जो भी आपकी पोस्ट जैसे एमटीएस हो गया, आपके हाउसकीपिंग वाला हो गया, जो भी आपके पैसे स्टाफ एलडीसी, ये जो भी आपकी है ना यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया है, तो उसमें सबसे पहले जो सवाल है कि एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, तो एग्ज़ाम सेंटर आपको दोस्तों सबसे पहले आपको जो डाक आप डालोगे ना, जो आपको मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि डॉक्यूमेंट क्या क्या डालनी है, क्या क्या आपको कितने रुपये की टिकट लगेगी, 10 रुपये वाली टिकट, ये सब जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप उसको देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम सेंटर है ये भी आपको यहाँ पर मैंसन किए गए हैं कि आप के जो भी नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर लगता है वहाँ पे आप फॉर्म डाल सकते हैं। और आप एक से ज़्यादा फॉर्म डालने की सोच रहे हैं तो भाई आपको करना क्या होगा कि दो बार फॉर्म, आपको दो बार टिकट डालनी पड़ेगी, और आपको दो बार मतलब डाक टिकट के अंदर जो आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आप करके आएंगे, तो दो बार आपको करके आना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये जो आपका है, मान लो सेंटर एग्ज़ाम का बात करूँ, तो सबसे पहले मान लो ये जो इसका किसी भी कैंडिडेट का, मान लो मैं यहाँ पे ये महाराष्ट्र का, यहाँ पे देखिए ये जो आपका है इसके अंदर आप पोस्ट के वाइज आपको सेंटर दिए गए हैं। देखिए ये जो पोस्ट के अंदर आपके, मान लो ये जो यहाँ पे इतनी पोस्टें यहाँ पे कवर की गई हैं, जैसे ये देखो मैं स्टाफ एमटीएस और यहाँ पे कुक वाला, तो ये जो है ना ये आपके देख रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो ये सेंटर दिया गया। अब आप यहाँ पर जो कि जो आपका डॉक्यूमेंट होगा जो आप डाला हुआ है
और एक चीज़ ध्यान रखना, 30 दिन तक ही चलेगा, उसके बाद कोई भी मान्य नहीं होगा, ये आप नोट करना। और उसके बाद ये जो आपका दिया गया है ना, उसके बाद यहाँ से चेकअप होकर आपको घर के जो कि आपको बुलाया जाएगा एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है, आपको एडमिट कार्ड उसी प्रकार दे दिया जाएगा कि आपको वापस पोस्ट के द्वारा ही वापस आने वाला है, तो डाक पोस्ट के द्वारा वापस आएगा। तो ये चीज़ आपके लिए है। तो एडमिट कार्ड कैसे आएगा, आपके घर के पास आ जाएगा। अब सवाल आपका होगा कि सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे जाएगा, तो एग्ज़ाम सेंटर आपका, देखिए ये भी इतने भोले नहीं होंगे और आप भी इतने भोले नहीं है कि आप जो आपका पास लग रहा है वहाँ पे आप डालोगे। तो एग्ज़ाम सेंटर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपका दूर जाएगा, लेकिन आपके एकदम घर के पास तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि एयरपोर्ट्स है ये, यहाँ पे आपके सेंटर थोड़े दूर जाते हैं, तो आपके एकदम घर के पास नहीं, आपके हो सकता है कि दोस्तों 100-200 किलोमीटर दूर आ जाए, 100 या 150 किलोमीटर दूर भी आ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इतना दूर भी नहीं आएगा कि आपको अलग स्टेट के अंदर भी भेज दिया जाए। तो आपका जो यहाँ पे ऐसा जो कि यहाँ पे है, ठीक है, आप जिस प्रकार से डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड आपके घर में आ जाएगा, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर जो कि आपका मेंशन किया होगा उसमें एग्ज़ाम सेंटर ये सब कुछ आ जाएगा। और देखिए ये लगभग प्रोसेस दोस्तों 1-2 महीने की चलने वाली है, फिर आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में लगातार मुझे बोल रहे थे कि सर आप ग्रुप सी के लिए, तो देखिए ग्रुप सी के लिए कोई नया नवेला सिलेबस तो है नहीं, तो उसके अंदर भी सेम है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, आपको जितना मतलब जो हो सकेगा तो मैं आपको उतना डाल दूँगा, और थ्योरी भी मैं मेरा खुद का हैंड रिटन नोट भी डाल रहा हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए कि आपके अगर जो क्लियर हो रहा है, तो क्योंकि वो बेसिक टू हाई लेवल के नोट्स हैं, तो आप थोड़े से उसको देख लीजिए। और यही दोस्तों आपको बताना था सभी कैंडिडेट को। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई, आपको इसी प्रकार के और कोई भी क्योरी आपकी रह जाती है, मुझे पता है आप इंसान हो, सभी की क्योरी अलग अलग होती है, और हमें पता है क्योंकि हमें जो दोस्तों 1000 मैसेज रोज़ आते हैं, तो उसको आधार पर हम बोल देते हैं कि आपके, मुझे पता है कि आपकी क्योरी तो बिल्कुल रहेगी, चाहे वीडियो दे दिया हो तो फिर भी आपकी रह जाती है। तो आपको 77 37 25 और इतना याद है मेरे नंबर, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये था गाइज आपका जो भी अपडेट था, जो कि और आपने नहीं डाला है ना फॉर्म, तो फॉर्म डालना स्टार्ट कर दीजिए भाई, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सा है, उसमें बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको 10 रुपये की टिकट लगनी है, आपको डॉक्यूमेंट आपको बताया हुआ है, बस वो पोस्ट के अंदर डालकर आपने जो भी आपने जो आपकी पोस्ट चूज की है ना आपने, कि मान लो MTS वाला कुछ कौन सा भरना है आपको, वो आपको देखकर अपना जो कि भर देना है, ठीक है। तो गाइज यही अपडेट करना था, और कोई भी क्वेरी होगी और कोई भी अपडेट होगा तो आपको मैं बता दिया जाएगा सभी को, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।